इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र में पारिवारिक विवाद के चलते पति ने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। पत्नी ने पति पर दहेज प्रताड़ना को लेकर थाने में केस दर्ज करवा रखा था। संभवतः इसी विवाद के चलते आरोपी पति ने हत्याकांड को अंजाम दिया। आजाद नगर थाना क्षेत्र में हुए हत्याकांड में पुलिस ने सूचना के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया। वहीं पति और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक घटना आजाद नगर थाना क्षेत्र के बाबूलाल नगर की है। प्रारंभिक पड़ताल में सामने आया है कि उसके पति नरेश ने अपने साथी विक्रम के साथ मिलकर पत्नी की गाड़ी के क्लच वायर से गला घोटकर हत्या की। मुख्य पारिवारिक विवाद में कई बार हाल के दिनों में पारिवारिक विवादों की, पारिवारिक संघर्ष की, पारिवारिक दूरियों की और मानसिक तौर पर अलगाव की बहुत सारी वजह और बहुत सारी परिस्थितियाँ पैदा हुई हैं। इन कारणों में अभी भी इसी तरह के एक मामले में, जिसमें अभी शादी हाल ही में हुई थी, नौ दंपत्ति थे, कुछ ही दिनों पूर्व शादी हुई थी, लेकिन उसमें बढ़ते हुए तनाव के कारण और झगड़ों के कारण पति ने अंत पत्नी की हत्या कर दी। बहरहाल उसके गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि सूचना भी उसी ने दी, उसी के द्वारा जानकारी पुलिस को पता लगा। बहरहाल उस पूरे मामले में पुलिस ने 302 IPC में प्रकरण पंजीबद्ध किया है। उसका एक मित्र भी उसमें सह आरोपी है और उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। सनसनीखेज मामलों के अंतर्गत इसका फास्ट ट्रायल चलाया जाएगा ताकि इस तरह की घटनाएं ना हो। हाँ, इनकी गिरफ्तारी की जा चुकी है। जानकारी के मुताबिक करीब दो साल पहले निकिता ने आरोपी पति के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज करवाया। इसके बाद वह मायके चली गई। दोनों का कोर्ट में ट्रायल चल रहा था। उसके बीच समझौता होने के बाद निकिता पति के साथ रहने को राजी हो गई। इसके बाद मंगलवार रात किसी बात पर दोनों में विवाद हुआ, जिसके बाद पति ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस पति और उसके दोस्त से पूछताछ कर रही है।